कराची में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जियाउद्दीन अस्पताल पहुंच गए। चीफ जस्टिस की पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात बंद कमरे में हुई। चीफ जस्टिस का जिना अस्पताल कराची का दौरा। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। चीफ जस्टिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी गए। कोयटा में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट की तकरीबे हलबरदारी। जस्टिस ताहिरा सफदर ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। जस्टिस ताहिरा सफदर को हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस का एजाज हासिल। शाहीन एयर्स को इंसानी बुनियादों पर हज ऑपरेशन शुरू करने की इजाजत मिल गई। आज से एयरलाइन हज ऑपरेशन शुरू करेगी। 1500 हाजी सऊदी अरब में फंस गए थे। सिक्योरिटी वजूहात, पाकिस्तान ने अफगान शहर जलालाबाद में कौंसल खाना बंद कर दिया। गवर्नर हयातुल्ला हयात की कौंसल खाने के अमूर में मुदाखलत अफसोसनाक है। तर्जुमान सफारत खाना। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी। पेट्रोल 2 रुपए 41 पैसे सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 37 पैसे फी लीटर कमी कर दी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। लोधरा में मुल्तान रोड पर 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम। 4 अफराद जा बहक। बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। बलोचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला में ट्रैफिक हादसा। 2 अफराद जा बहक, 3 जख्मी हुए। कराची के इलाके मवाज घूट में वाकई शहरे खामोशा लावारसों का मस्कन बन गया। सीपीएलसी के प्रोग्राम शनाख्त ने मैयतों के वरसा की तलाश मुमकिन बना दी। गैर शनाख्तशुदा अफराद की तादाद 85,000 से जायद। सिंध के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स मुबारक की तकरीबात। हजारों अकीदतमंदों की हाजिरी। अदब की दुनिया की मारूफ शख्सियत फातिमा सुरैया भजिया की 88वीं सालगिरह। नावल और ड्रामा निगारी में बेमिसाल। गूगल का भी खैराज तहसीन। और रूस में गोताखोर आ गया ऑक्टोपस के शिकंजे में। बुरी बड़ी मुश्किल से ऑक्टोपस की गिरफ्त से खुद को छुड़ाया।